पिछले दो सालों से दया भाभी तारक मेहता शो से गायब हैं और यहां पर अब जेठालाल पड़ चुका है अकेला। और अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां पर जेठालाल को दया की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो गाइस, अगर हम बात करें तारक मेहता शो की जो रिसेंट स्टोरी चल रही है उसकी, तो यहां पर आपने देखा होगा दोस्तों कि जेठालाल के पास बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, मतलब एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है कि उनको चंपक चाचा को संभालना है, और जिन्होंने चश्मा नहीं पहन रखा और उनका चश्मा भी टूटा हुआ है। और अब क्योंकि जेठालाल को जाना है अपने काम पर, यानी कि अपनी दुकान पर, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे थे, तो इसके बाद जेठालाल बेचारा लाचार था कि वो किसके पास चंपक चाचा की जिम्मेदारी सौंपे। तो गाइस, यहां पर जो एक व्यक्ति है जो कि चंपक चाचा का पूरा ध्यान रख सकता था, पूरा ख्याल रख सकता था, वो थी दया। और दोस्तों, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि दो साल से ज्यादा हो चुके हैं और दया अपने घर पर नहीं है, मतलब उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अगर हम शो के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। लेकिन दोस्तों, दया को कोई भी परवाह नहीं है अपने परिवार की, अपने ससुर जी की, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी देखा है कि जब चंपक चाचा किडनैप हो चुके थे लेकिन दया ने कोई खबर भी नहीं ली और दया तक ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंची। पूरी दुनिया को पता चल गया था लेकिन दया को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, सुंदर तक को पता चल गया था। तो गाइस, अब जेठालाल के कैरेक्टर को बहुत ही हेल्पलेस दिखाया जाता है क्योंकि बिना दया के ही उसको सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए के दोस्तों हमें जेठालाल के किरदार को सैल्यूट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर तारक मेहता मेकर्स भी काफी ज्यादा लाचार हैं, वो भी ना तो दया को रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही पुरानी दया को वापस ला सकते हैं, तो उनके पास भी स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या दया को ऐसी सिचुएशन में अपने घर पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या जो भी ये स्टोरी चल रही है उसके बारे में, उसके हिसाब से आप क्या सोचते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछले दो